भाई तो करो ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये उम्र में सही में जो एंजॉय करना चाहिए इन्होंने एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। भैया नाम बताओ यार, तुम्हारा नाम तो बताओ। आपका नाम क्या है? मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। आज का जो जर्नी है मेरा, मेमो ट्रेन का जर्नी है, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं पैसेंजर ही ट्रेन है। मुंबई की जो लोकल ट्रेन है वही ट्रेन इधर लाया है 3-4 डब्बी, और इधर इन्होंने मेमो ट्रेन इनको नाम दिया है और टिकट थोड़ा सा बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले ये पैसेंजर ट्रेन का टिकट कम होता था, अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया है मेमो ट्रेन का। और ये मेमो ट्रेन चलती है यहाँ से, एक तो सवेरे 6:30 बजे और दोपहर को 2:30 बजे चलती है भुसावल से बडनेरा के लिए। और ये 4 घंटा 35 मिनट का मेरा ट्रेन का जर्नी रहेगा, जिसमें 25 जो है छोटे छोटे स्टेशन मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। और ट्रेन में जो जो भी लोग मुझे मिलेंगे, मेरे ब्लॉग से जुड़ेंगे, उसकी भी चर्चा मैं पूरी आपको इस व्लॉग के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए। एक जो ट्रेन का जर्नी है 4 घंटा 35 मिनट, ये कार का भी जर्नी उतना ही लगता है। बाय रोड अगर आप जाएंगे भुसावल से बडनेरा, तो कम टिकट में आप जो है मेमो ट्रेन से भुसावल से बडनेरा आराम से जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मेरा दोस्त आने वाला है, वो थोड़ी देर में आएगा, वो मुझे छोड़ देगा रेलवे स्टेशन भुसावल, और वहाँ से 2:30 बजे मैं पकड़ूँगा मेमो ट्रेन जो बडनेरा तक जाती है, भुसावल से निकलती है। तो आप मेरे इस ब्लॉग में बिल्कुल बने रहिए, स्किप मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा ये ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए आप आ गया है रेलवे स्टेशन, और यहाँ निकल रही है रैली रेलवे कार। तो अभी टिकट निकाल के जाते हैं भाई। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन, यहाँ देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, और 2:30 बजे की ट्रेन है, थोड़ा जल्दी आया हूँ, 2 ही बज चुके हैं, टिकट भी जल्दी मिला। और चावल से बडनेरा तक का जो टिकट्स है वो सिर्फ भैया 85 रुपीज़ पड़ा है मेमो का, जिसमें मुझे अभी बैठना है 4 घंटा 35 मिनट। तो आप बने रहिए। तो ये आ चुकी है मेमो भुसावल जंक्शन, पंचवटी लिखा है, आप देख सकते हैं। और सारे पैसेंजर, ये करीबन 2:20 है और उधर से भर के आ गई है ये मेमो। इसी गाड़ी में मैं अभी प्रस्थान करूंगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये मेमो है। थोड़ा सा अंदर से भी मैं थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेमो ट्रेन का सूट, पूरा पैसेंजर है भैया, ये पूरा खाली है, यहाँ से पूरा पैसेंजर ट्रेन है। ऊपर रखने के लिए बक्से हैं। अभी बज चुके हैं 2:30 और अभी थोड़ी देर में जो है ये गाड़ी निकल रही है मेमो ट्रेन। अभी पहला जो इसका स्टेशन जो आएगा वो शायद है वरंगाव, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है भैया भुसावल जंक्शन। अब ये आउटर से चेक हो रही है गाड़ी, पटरी जो है एक बार पीछे से भी फिल्म आता हो, और डिब्बे में पूरा खाली है, आप देख सकते हैं जो का नज़ारा। भुसावल जो है यहाँ जंक्शन है, इसीलिए हर चारों तरफ जो है आपको पटरी ही पटरी देखने को मिलेगी। यहाँ से गाड़ी दिल्ली, जयपुर, जहाँ चाहे वहाँ आप जा सकते हो।
सामने एक छोटी ट्रेन भी आपको दिख रही है और एक पटरी चेंज कर रही है। देखिए ये पटरी छोड़कर ये दूसरी पटरी और ये अभी सीधी जाएंगे भैया, एकदम फास्ट हो जाएंगे। ये अपने कैमरे को जो है ना थोड़ा सा टाइट पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी ये रुकेंगे नहीं भाई, ये अभी जो है सीधी दौड़ेंगी। अभी हम थोड़ी देर में जो है पहुंच रहे हैं वरंगाव। ये देखिए वरंगाव का स्टेशन आ चुका है, ये देख सकते हैं वरंगाव का पोस्टर, ये पूरा वरंगाव प्लेटफॉर्म का नज़ारा मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना भीड़ वाला गर्दी है, ये देख सकते हैं बड़ा पोस्टर वरंगाव, और इसके बाद में जो स्टेशन आएगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये ट्रेन अभी निकल चुकी है वरंगाव के रेलवे स्टेशन से। इस मेमो ट्रेन का एक एक छोटा छोटा स्टेशन मैं इस व्लॉग में कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ से आचेगांव स्टेशन चला गया भैया, लेकिन आचेगांव में जो है ये गाड़ी नहीं रुकी है। ये आ चुका है अभी बोधवड़ रेलवे स्टेशन जो वरंगाव के बाद में पड़ता है। आप देख सकते हैं ये बोधवड़ का रेलवे स्टेशन, यहाँ गाड़ी एक से दो मिनट तक रुकेगी और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन के लिए रवाना होगी। इसके पहले एक आचेगांव करके एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहाँ पैसेंजर रुकती थी, लेकिन ये जो मेमो ट्रेन है भैया ये नहीं रुकती है, ये खास बात है। आप देख सकते हो यहाँ का प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वरंगाव से सीधा ये जो मेमो ट्रेन है भैया बोधवड़ को रुकती है और यहाँ थोड़ी बहुत अच्छे से भीड़ मुझे दिख रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी भीड़ है। तो ट्रेन में अभी गर्दी होती है, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेशन मिलते हैं और कौन सा नेक्स्ट स्टेशन आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया ये अभी बोधवड़ से निकल चुकी है ट्रेन, मेमो ट्रेन। ये देखिए झुक के देख रहा है लड़का, ये बोधवड़ का पोस्टर पेड़ के नीचे थोड़ा सा दब गया है। और यहाँ से अभी ये ट्रेन जाएंगी कोलाड़ी जो नेक्स्ट स्टेशन है इसका, बाद में आएगा खामखेड़, और खामखेड़ के बाद में एक अच्छा बड़ा स्टेशन आएगा वो मलकापुर आएगा। तो मैं अभी मिलता हूँ आपको कोलाड़ी में। ये देखिए ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, हम कोलाड़ी की तरफ जा रहे हैं और ये बोधवड़ में हाईवे बना हुआ है ऊपर से जाते हुए, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आ गया भैया कोलाड़ी, छोटा सा मेमो का रेलवे स्टेशन ये देख सकते हैं, बहुत ही छोटा ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ का प्लेटफॉर्म भी एकदम ही छोटा सा है और ये बोधवड़ के बाद में जो हमें ये मेमो ट्रेन का छोटा सा स्टेशन लगा वो है कोलाड़ी, और वही कोलाड़ी का छोटा सा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि लड़के जो है बाहर झुक के जरूर देखते हैं भैया, जवान खून है वो चिलबिल चिलबिल करते रहते हैं। रेलवे स्टेशन का थोड़ा सा यहाँ पोस्टर दिखाना चाहूँगा। अब जो है थोड़ी ही देर में आने वाला है खामखेड़ रेलवे स्टेशन, और ये देख सकते हैं कि ये खामखेड़ रेलवे स्टेशन आ गया। देखिए यहाँ का प्लेटफॉर्म देखिए, एकदम छोटा प्लेटफॉर्म है और बैठने के लिए भी घास में ऐसे लगता है कि ये बैठने के लिए थोड़ा सा ये दिया है, या थोड़े से पैसेंजर है खामखेड़ रेलवे स्टेशन पे। अभी खानदेश में हूँ और जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन मलकापुर में जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा विदर्भ एरिया में, महाराष्ट्र के। तो विदर्भ एरिया का पहला स्टेशन जो आएगा वो आएगा मलकापुर। तो अभी हम मिलते हैं आपको मलकापुर में,
खामखेड़ का दृश्य आपको थोड़ा मैं फिल्मा रहा हूँ। यहाँ से जो है महाराष्ट्र का जो है विदर्भ एरिया शुरू हो जाता है, जो मैंने कहा है मलकापुर का दृश्य ट्रेन से ही मैं थोड़ा सा फिल्मा रहा हूँ। ये देख सकते हैं मलकापुर का एरिया, यहाँ थोड़ी सी नदी पहले लगी जाती है लेकिन इस नदी का पानी जो है बहुत ही गंदा रहता है। भैया देख सकते हैं हमेशा ये जो पुल से जो ट्रेन गुजरती है तो नदी का पानी बहुत ही गंदा या फीलिंग होता है, और ये इसे थोड़ा सा नीचे से रोड भी है कि ये प्लेटफॉर्म लग चुका है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको मलकापुर, बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है, बड़ा रेलवे स्टेशन है मलकापुर का, क्योंकि अभी तक जितने भी भूसावल के बाद जो रेलवे स्टेशन लगे थे वो बहुत ही छोटे छोटे रेलवे स्टेशन लगे थे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन है। आपको रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म देखते से पता चल रहा होगा कि बहुत ही ये छोटे रेलवे स्टेशन के मुकाबले मैं मानता हूँ कि बड़ा रेलवे स्टेशन है मलकापुर का। यहाँ भीड़ है भैया, यहाँ से फिर से ट्रेन जो है अच्छे से भरे जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ भीड़, काफ़ी भीड़ का सामना, काफ़ी भीड़ का नज़ारा देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। देखिए ट्रेन में कैसे चल रही है भीड़, पानी बॉटल थोड़ा सा मुझे लेना पड़ेगा पानी की चीज़ें, क्योंकि एक घंटा हो गया सफ़र हो गया, मेरे पास पानी का बॉटल भी नहीं है, तो मैं अभी बॉटल खरीदता हूँ। फिर आगे के ये देखिए भैया, ट्रेन में ही ये लोग जो है पाइप लेके जा रहे हैं भैया, देखिए कमाल। हालांकि ये पाइप अलाउड नहीं है इस लोकल ट्रेन में, लेकिन यहाँ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं। बॉटल रियल नील वाली मुझे मिल गई है, ये 20 रुपए की बेच रहा था लेकिन मैंने उसको 15 दिया, तो लेकिन उसने बोला कि भाई 20 होना था लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि ये 15 की ही बेचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेशन का नाम अभी नहीं बताऊंगा, जब आएगा तो आप ही खुद देखना, ये मलकापुर का पोस्टर। और ये देखिए जो पटरी पर जो है गिट्टी भरने का जो काम करते हैं वो लोग ट्रेन आते से ही थोड़ा सा साइड में खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही ट्रेन निकल जाती है तो वो फिर से अपना गिट्टी भरने का काम भैया वो चालू रखते हैं। बहुत ही कठिन और मेहनत वाला काम है, दूर तक जो है यहाँ कोई स्टेशन नज़र नहीं आता और अचानक से स्टेशन आ जाता है। ये देखिए कुछ पोस्टर यहाँ मुझे दिख रहा है, और ये वडोदरा ही है, ये देख सकते हैं वडोदरा स्टेशन ही है, एकदम छोटा सा स्टेशन है ये वडोदरा, कुछ भी पैसेंजर नहीं है यहाँ, एक दुख का पैसेंजर मुझे दिखा है। वडोदरा स्टेशन से ये हमारी मेमो ट्रेन निकल चुकी है, और आगे जो आएगा वो खुमगाँव मूर्ति रेलवे स्टेशन आएगा, तो उधर आपको मिलते हैं, बने रहे हमारे इस ब्लॉग में कंटिन्यू। खुमगाँव मूर्ति बिश्वा ब्रिज है, सॉरी ये शायद बिश्वा ब्रिज है, ये ब्रिज का नज़ारा इसीलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बिश्वा ब्रिज है और ब्रिज भी लगा है, और ये डायरेक्ट जो है इसने बिश्वा ब्रिज स्टेशन लिया है, देख सकते हैं बिश्वा ब्रिज स्टेशन एकदम छोटा सा स्टेशन है। ये देख सकते झुग्गी झोपड़ी प्लेटफॉर्म के बाजू में लगी हुई है, और यहाँ थोड़े कुछ पैसेंजर है, थोड़ा अच्छा स्टेशन दिख रहा है। ये बिश्वा ब्रिज स्टेशन है, और इसके बाद आने वाला जो स्टेशन है वो रहेगा खुमगाँव मूर्ति, और ये देखिए लोग जो है भैया इस मेमो ट्रेन में अपने घर के
पाइप यहाँ डाले हुए थे और वो लेके जा रहे हैं। हालांकि ये जो पाइप है वो अलाउड नहीं होते, लेकिन यहाँ सब कुछ चलता है भैया। ये देख सकते हैं भाई, पटरी पे काम करने वाले लोग जो गिट्टी का काम करते हैं ये बैठे रहते हैं। जैसी ट्रेन पास हो जाती है तो इनका काम फिर से शुरू हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर में जो है नेक्स्ट स्टॉप आएगा खुमगांव बुर्ती। खास बात है कि जगह जगह भी मैं देख रहा हूँ कि अंडरग्राउंड रोड हर स्टेशन पे लगभग हो रहे हैं। ये देख सकते हैं ये खुमगांव बुर्ती में भी ये अंडरग्राउंड वाला रोड बन चुका है। मतलब जो फाटक लगता था ट्रेन जाने तक लोगों को रुकना पड़ता था रोड क्रॉस के लिए, वो मात्र जगह जगह पे बंद हो चुका है। मैं जहाँ जहाँ भी ट्रेन से गुजर रहा हूँ वहाँ वहाँ मुझे ये रेलवे द्वारा किया गया सराहनीय काम मुझे आवश्यक दिख रहा है। और ये देखिए खुमगांव बुर्ती ये छोटा सा रेलवे स्टेशन आया हुआ है, ये पैसेंजर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती है और ये हमारी मेमो ट्रेन भी यहाँ रुक गई है लोकल की। आप देख सकते हैं छोटा सा, यहाँ कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम छोटा सा रेलवे स्टेशन है। और नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा वो आएगा नांदूरा। वो थोड़ा सा अच्छा स्टेशन है नांदूरा, क्योंकि वो भी एक तहसील लेवल का प्लेस है। तो चलिए अभी हम आपको नांदूरा में मिलते हैं। खुमगांव बुर्ती का पोस्टर तो अभी नांदूरा थोड़ा सा अच्छा सा स्टेशन लगने वाला है। ये देख सकते हैं ट्रेन मुड़ रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, और एक गरम गरम कचौड़ी वाला भी आ चुका है भैया। 20 का चार बोल रहा है वो, बाद में जो है 10 का चार भी बेचता है जाती जाती। ये आ चुका है भैया नांदूरा का प्लेटफॉर्म, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है ये छोटे प्लेटफॉर्म के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा तहसील लेवल का प्लेस है विदर्भ का। देख सकते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और ट्रेन बहुत आगे तक जाएगी क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी ट्रेन रुकती है। और ये जो मेमो ट्रेन है बहुत ही छोटी ट्रेन है, इसलिए वो आगे जाएंगी। यहाँ भी थोड़ा सा भीड़ रहेगा। मैं नांदूरा रेलवे स्टेशन का दृश्य मैं थोड़ा फिल्मा रहा हूँ। यहाँ कुछ यात्री चढ़ रहे हैं और यहाँ से थोड़ा सा भीड़ शुरू हो रहा है। जैसी जैसी ये ट्रेन आगे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इस ट्रेन में चढ़ रहे हैं, और ट्रेन में जो है गर्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। ये देख सकते हैं नांदूरा रेलवे स्टेशन का हाल, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ अगर विदाउट टिकट भी आता है तो आदमी आराम से जो है नांदूरा में निकल सकता है। क्योंकि जो फेंसिंग है वो फेंसिंग यहाँ तोड़ दी है और नीचे गिरा दिए हैं लोगों ने, और उसी फेंसिंग से होके शॉर्टकट यहाँ से लोग निकलते हैं। मतलब भाई ब्रिज का इस्तेमाल करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रेलवे प्रशासन द्वारा ये थोड़ा सतर्कता होनी चाहिए नांदूरा रेलवे स्टेशन की। देख सकते हैं कि मतलब यहाँ से जो है विदाउट टिकट वाला जो प्रवासी है वो आराम से निकल सकता है भाई। तो अभी जो ये मेमो ट्रेन है भैया नांदूरा में रुकी है, शायद ये ट्रेन जो है यहाँ से एक्सप्रेस गाड़ी को निकालेंगी तभी आगे रवाना होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत देर से रुकी है। तो मैं भी थोड़ा सा
शूट कर रहा हूँ लेकिन नहीं रुकने वाली है, अभी निकल रही है, तो चलिए मैं थोड़ा सा अंदर जाता हूँ भाई। तो ये ट्रेन अभी नांदुरा से निकल चुकी है, मेरे पीछे भीड़ ही भीड़ है भैया ट्रेन में। तो थोड़ी देर में जो भैया जलम जंक्शन आने वाला है, सेगांव के पहले पहले लगता है जलम जंक्शन, आप देख सकते हैं। पहली बार मुझे लग रहा है कि ये जलम जंक्शन जो है मेरे राइट हैंड साइड में ये प्लेटफॉर्म लगेगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है। अभी तक जो जितने भी स्टेशन आए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ही पूरे प्लेटफॉर्म लगे थे, लेकिन आगे देखते हो सकते हैं, नहीं नहीं ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आया, देख सकते हैं ये जलम जंक्शन। ये जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर दूर सिर्फ खामगांव है, और खामगांव जाने के लिए भैया यहाँ से आपको एक छोटे डिब्बे वाली, 2-3 डिब्बे वाली ट्रेन मिल जाती है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों के लिए सुविधा बनाई गई है, आप जलम से खामगांव जा सकते हो और खामगांव से जलम आ सकते हो, क्योंकि लोकल लोगों की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मैं बहुत ही अच्छा साधन मानता हूँ। यहाँ थोड़ी बहुत ही कम भीड़ भाड़ है, ये देख सकते महाराष्ट्रीयन पहराव वाली लेडीज। तो ये ट्रेन जो है भाई अभी जलम जंक्शन से निकल चुकी है, ये जलम जंक्शन का पोस्टर, थोड़ी ही देर में आ जाएगा सेगांव। थोड़ा सा अच्छा रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मैंने बोला है कि यहाँ संत गजानन महाराज का बहुत अच्छा टेंपल है और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं गजानन महाराज के दर्शन के लिए। तो ये ट्रेन जो है भुसावल से सेगांव तक पहुँचने में भाई मैं समझता हूँ अभी 4:30 बज चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया इस ट्रेन में, तो आप आराम से जो है इस मेमो ट्रेन से जो है 2 घंटे में आराम से सेगांव तक आप सफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 घंटे। और ये देखिए उतरने वाले की भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस साइड में जो है आ गया है, तो ये देख सकते हैं उतरने वाले की भीड़। यहाँ बहुत भीड़ रहेगी, तो चढ़ने वाले की भीड़ भी देख सकते हैं। ये मुंबई का लोकल डिब्बा है और ये इसको मेमो ट्रेन चला रही है भुसावल टू वर्धा, 2 बार चलती है भुसावल से बदनेरा तक, सवेरे चलती है 6:30 बजे और दोपहर को जो है चलती है भैया 2:30 बजे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, मैं आपको बड़ी भीड़ अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे उतरेंगे ना तो यहाँ एक प्रकार से दृश्य जो है मुंबई में जो लोकल में लोग किस प्रकार से चढ़ते हैं ना, इस प्रकार का दृश्य आपको दिखेगा, चढ़ने वाले का दृश्य। ये उतर भी नहीं रहे हैं तो चढ़ना शुरू हो गया एक दिक्कत, ये दिक्कत ये हो गई कि इसको उतरने में दे रहे। ये देखिए कभी चढ़ रहे हैं भीड़ में, दिखा रहा हूँ आपको, देखिए बहुत ही भीड़ है भैया, ये बहुत ही भीड़ भाड़ है, कभी कभी चढ़ रही है। अभी गाड़ी निकल चुकी है भैया सेगांव से, नेक्स्ट जो बड़ा स्टेशन जो आएगा वो अकोला जंक्शन आएगा, और उसके पहले जो है
तीन स्टेशन आएंगे छोटे छोटे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। श्री क्षेत्र नागझरी, और ये देखिए कितना छोटा सा प्लेटफॉर्म है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कॉन्क्रीट का बना हुआ छोटा सा प्लेटफॉर्म है श्री क्षेत्र नागझरी। ये भी एक यहाँ देवस्थान ही है, बोलते हैं कि लोग या गर्म पानी के झरे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने अभी तक गया नहीं हूँ नागझरी में, लेकिन लोग बहुत आते हैं नागझरी में। श्री क्षेत्र नागझरी से ट्रेन अभी निकल चुकी है, पोस्टर में दिखा रहा हूँ श्री क्षेत्र नागझरी। नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है वो पारस है भैया, पारस में रुका हुआ है। गाड़ी निकल चुकी है भैया गायगांव रेलवे स्टेशन से, और ये इसके बाद में जो स्टेशन आएगा वो अकोला स्टेशन आएगा, ज़्यादा दूरी पर नहीं, ये देख सकते हैं गायगांव रेलवे स्टेशन। और गायगांव में खास करके इंडियन ऑयल के बड़े बड़े टैंक है, यहाँ इंडियन ऑयल का स्टोरेज होता है, ये देख सकते हैं आप गायगांव में जो अकोला के नज़दीक है, यहीं से ही ऑयल इधर के एरिया में प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ गायगांव में जो पेट्रोल डीजल है वो सीधा ट्रेन से आता है भाई, तो ये जो डेपो में है ना सीधा मालगाड़ी वाली ट्रेन अंदर जाती है और ट्रेन से ही यहाँ पूरा स्टॉक हो जाता है गायगांव में। आप देख सकते हैं ये गायगांव का ऑयल डिपो, बहुत ही बड़े बड़े टैंक यहाँ है। और ये देखिए ये जो पटरी जा रही है पूरी अंदर तक जा रही है, गायगांव के ऑयल डिपो में जा रही है, ये देखिए सामने फाटक दिख रहा है आपको। थोड़ी देर में जो है प्लेटफॉर्म आएगा और यहाँ जो सेगांव से चढ़ी हुई जो भीड़ थी सारी उतर जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये अकोला का शहर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है भैया। ये देखिए अकोला, आगे भी दिखा देता हूँ, ये प्लेटफॉर्म आ चुका है अकोला का। ये देखिए अकोला का पोस्टर, और यहाँ भी थोड़ी भीड़ रहेगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का एरिया है, तो यहाँ चढ़ने वाले की भीड़ रहेगी और उतरने वाले की भीड़ रहेगी। अभी 5:30 बज चुके हैं, मतलब 2:30 हम निकले थे भुसावल से, और अकोला जो 150 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर आएगा ट्रेन से, 5:30 आया है, 3 घंटे लगाया है। और इसके पहले जो पैसेंजर चलती थी वो 3.5-4 घंटे लगा दी थी, उस हिसाब से मेमो ट्रेन भाई फास्ट है, ये मैं समझूँगा 3 घंटे में ही आपको अकोला छोड़ती है। और कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन जो रहती है वो 2 घंटे में छोड़ती है या फिर 2.5 घंटे में छोड़ती है, तो 0.5 घंटा ही लेट आपको छोड़ती है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेन है, अगर आपका रिजर्वेशन नहीं है भुसावल से अकोला तो आप ये ट्रेन से आराम से आ सकते हो। ये उल्खेड़ स्टेशन का नजारा, किस साइड से आता है पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे राइट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ एक ट्रेन खड़ी हुई दिख रही है मुझे। ये उल्खेड़ स्टेशन है भाई, क्योंकि ये उल्खेड़ का पोस्टर मैं इस साइड से नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इस साइड से जो है एक ट्रेन खड़ी हुई है, तो येउलखेड़ का स्टेशन मेरे राइट हैंड में आएगा प्लेटफॉर्म, तो उस साइड में मैं बैठा नहीं, और भीड़ बहुत है तो वहाँ का शूट भी नहीं ले सकता हूँ मैं।
लेकिन ये गाड़ी यौलखेड़ में ही रुकी है, ये मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन में भी प्लेटफॉर्म इस साइड से आता है या नहीं है वो भी देखते हैं। ये ट्रेन निकल चुकी है भैया यौलखेड़ से, और अभी ये ट्रेन और नेक्स्ट स्टेशन पर रुकेगी, जिस स्टेशन का नाम है बोरगांव मंजू। यहाँ जो है आपको फ्रेश होने के लिए एक लैट्रिन बाथरूम का भी इंतजाम किया हुआ है, ये भी एक खास बात है यहाँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला है बोरगांव वो आपको मैं फिल्माता हूँ, तो आप मेरे इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और एक छोटा सा स्टेशन आया है बोरगांव, मुझे पोस्टर तो दिखा नहीं यहाँ, शायद आगे हो सकता है, ये बोरगांव स्टेशन है। बोरगांव स्टेशन से जो है गाड़ी अभी रवाना हो चुकी है, इसके बाद में भी एक काटेपूर्णा करके रेलवे स्टेशन आएगा। ये देखिए, नहीं ये काटेपूर्णा ही था, मतलब ये बोरगांव चला गया। इसका मतलब ये है कि भैया बोरगांव को जो है गाड़ी रुकी नहीं है। तो ये मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन आ चुका है भाई, बाद में जो है 3 स्टेशन और मुझे जाना है और चौथे स्टेशन में आ जाएगा बडनेरा। मुर्तिजापुर ये जंक्शन स्टेशन है और अच्छा खासा स्टेशन है, यहाँ करीबन 99% गाड़ी रुकती है। ये देख सकते हैं मुर्तिजापुर का बोर्ड, क्योंकि यहाँ से एक शकुंतला एक्सप्रेस पहले जाती थी यवतमाल, लेकिन अभी शायद वो बंद हो चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है। देख सकते हैं मुर्तिजापुर का प्लेटफॉर्म्स जिसको मैं फटी मार रहा हूँ, यहाँ बहुत सारी गाड़ी जो है खाली होने वाली है और बहुत कम लोग जो है यहाँ से चढ़ेंगे। तो देख सकते हैं चढ़ रहे हैं लोग, और कुछ लोग जो है यहाँ से चढ़ेंगे भी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हो चुके हैं शाम के 6:30 बज चुके हैं, और ये देखिए इधर पूरा नाइट का मंजर है भाई। और ये जो नेक्स्ट स्टेशन जो आने वाला था वो मेरे हिसाब से माना आने वाला था, पूरा अंधेरा छाया हुआ है माना स्टेशन पर। और इस स्टेशन पर मेरा दोस्त जो है स्टेशन मास्टर है, लेकिन वो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में जो है बडनेरा स्टेशन हम पहुंच रहे हैं, शायद एक स्टेशन और आएगा। और जाते जाते हमारे दो सब्सक्राइबर हमें मिले हैं, ये आप देख सकते हैं, अरे हाय बाय तो करो। और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये उम्र में सही में जो एंजॉय करना चाहिए इन्होंने एंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। भैया नाम बताओ यार, तुम्हारा नाम तो बताओ, आपका नाम क्या है। बडनेरा स्टेशन आ चुका है, अभी थोड़ी देर में जो है गाड़ी बडनेरा स्टेशन पर रुकेंगी। तो चलिए अभी मुझे उतरने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, फिर भी मैं ये बडनेरा रेलवे स्टेशन आपको दिखाऊंगा। बडनेरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूँ, ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे इस छोटे से चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आपने मेरा ये पूरा ब्लॉग देखा इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।